भोपाल के भदभदा डैम में कूदकर जान देने वाले 21 साल के युवक का शव पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया था। अब इस केस में पुलिस उस लड़की के बयान को दर्ज करेगी जिस पर मृतक ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस को मृतक ऋषभ पिता विजय वर्मा के मोबाइल से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था कि युवती से परेशान होकर अपनी जान दे रहा हूँ। हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता, कई बार लड़की भी गलत होती है। इस मामले में थाना प्रभारी कमला नगर अनिल वाजपेयी ने बताया कि लड़की के बयान के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतक ऋषभ राती बड़ के विशाल नगर में रहता था और प्राइवेट जॉब करता था। उसके परिजनों ने बुधवार को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने डैम में कूदने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी माँ को भेजा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने SDRF की मदद से डैम में ऋषभ की तलाश की थी। बुधवार सुबह से शाम तक तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। गुरुवार की सुबह से देर रात तक SDRF की टीम ऋषभ की तलाश करती रही लेकिन नतीजा सिफर रहा। शुक्रवार को ऋषभ का शव भदभदा में मिला था। मैं इस जगह पर सुसाइड कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं भदभदा पे सुसाइड कर रहा हूँ तेरे वजह से। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।